Friends, in this video, we will discuss some MCQs of circles of previous years of IIT mains by shortcut methods. So let us start with the MCQs. First MCQ is the circle, this cuts an intercept on x-axis of length. तो इसके लिए आपको याद करना है कि intercept on x-axis क्या होगा? वो ये होता है हमारे पास twice into under root g square minus c. तो इसको आप given equation से compare करके, given equation क्या होती है हमारे पास? x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 से compare करके, simply g and c की आपने values निकालनी है 2 and 2 और इसमें put कर देनी है आपने, तो हमारे पास ये answer आ जाएगा 2 into 4 minus 2, that is 2 under root 2. तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास b. तो इस तरह से आपने करना है. ऐसे intercept on y axis क्या होता है? यदि y axis आएगा तो twice into f square minus c. ये आप इसको learn कर लेना. Next step, second MCQ हमारे पास है. The locus of the center of radius 3. किसका locus निकालना? Center of radius 3, which rolls on the inside of the circle. देखो अपने statement को carefully पढ़ना है कि जो roll कर रही है on the inside of the circle. तो इसका meaning क्या है? The circles touch internally. Internally touch कर रहे हैं. तो इसके लिए formula आपको याद है कि हमें क्या करना है? C1 C2 का mod is equal to R1 minus R2 mod. तो इसके लिए हमें दोनों के centers चाहिए, दोनों के radius चाहिए. तो एक जो circle given है हमें, इसका तो आप center radius find out कर सकते हैं. जो दूसरा सर्कल है उसका रेडियस गिवन है, तो उसका हमने क्या करना है? सेंटर एच के सपोज कर लेना है और ये फार्मूला लगा देना है, C1 C2 का मोड इज इक्वल टू R1 माइनस R2 सिंपली, और आपने इसका डिस्टेंस फार्मूला लगा के स्क्वेयरिंग कर देना है, और एच एंड के का जब हम लोकस लेंगे तो हमारे पास आंसर सी आ जाता है. इसमें ये वाला सी आंसर इसमें आ जाएगा आपके पास. इसको सॉल्व कर सकते हो आप इजिली. थर्ड हमारे पास सम है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 2 0 0 2 एंड 0 0 इस. तो ये देखो आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है. ये इस तरह का न्यूमेरिकल हमने पहले भी डिस्कस किया था. तो इसको आपने एकदम से क्विकली सोच लेना है. जब ये ट्रायंगल बनी हमारे पास तो जो इसका मिड पॉइंट होगा, दैट इज जैसे ये मिड पॉइंट है, तो वही हमारे पास क्या होगा? सर्कल का सेंटर होगा. तो ये क्विकली आपने इसको सोच लेना. तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1 1. ए पार्ट इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास एक लाइन L1 इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजन, और जो L2 है स्ट्रेट लाइन वो गिवन है आपको x प्लस y इज इक्वल टू 1 है. तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इफ द इंटरसेप्ट्स मेड बाय दिस सर्कल ऑन द लाइंस L1 एंड L2 आर इक्वल, मतलब इंटरसेप्ट्स जो है वो आपके पास इक्वल है. एक लाइन तो आपके पास ओरिजन में से पास कर रही है, सेकेंड लाइन हमें गिवन है, तो हमने बताना है कि इसमें से कौन सी जो L1 की इक्वेशन होगी. इसमें तो जो लाइन ओरिजिन में से पास कर रही है उसका फार्मूला हमें पता है, y इज इक्वल टू mx होता है. सेकंड लाइन आपको गिवन ही है इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. तो जो सर्कल है उसका आप सेंटर निकाल लो, ठीक है? क्योंकि जब हमारे पास ये देखो ये कंसेप्ट ही बेसिक कंसेप्ट है, जब हमारे पास लेंथ्स ऑफ द कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जो सेंटर से वो क्या होगा? सेम होगा. बस यही इसमें अप्लाई करना है. सेंटर की कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए तो सी एंड डिस्टेंस निकाला हमने, डिस्टेंस जो फार्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फार्मूला, ये एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर दी इसमें, -1/2 -3/2 -1 इस नीचे आएगा आपके पास कोफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वेयर कोफिशियंट ऑफ वाई का स्क्वेयर, और इज इक्वल टू जो सी एम डिस्टेंस है वो x की वैल्यू m इंटू 1/2, y की वैल्यू पुट करी -3/2 + 3/2 का मोड कोफिशियंट, और नीचे x का कोफिशियंट है m का स्क्वेयर प्लस 1. इनका अंडर रूट करना, इसको सिंपली सॉल्व कर लेना आपने, और आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगे m की, -1/7 and 1. तो इसको आप शॉर्टकट मेथड से भी इस तरह से भी ट्राई कर सकते हो. जैसे डिस्टेंस हमने ये निकाल लिया, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास अंडर रूट 2 आ गया. तो जिस भी लाइन का सेंटर से सेंटर है 1/2 and -3/2, तो इस चॉइसेस में आप पुट करके देख सकते हो, जिस भी पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से आपके पास अंडर रूट 2 आएगा वही आपका आंसर है. जैसे सपोज हमने इसमें ए चॉइस में पुट किया, एक्स को 1/2 और वाई को -3/2 पुट करते हैं, हमारे पास अंडर रूट 2 नहीं आ रहा इसमें, तो ये कैंसिल हो जाएगी चॉइस. इस तरह से हम इसमें बी एंड सी में ट्राई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बी एंड
सी, मतलब बी एंड सी इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। इस तरह से आप शॉर्टकट मेथड से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट, एक ट्रायंगल बनी हुई है हमारे पास, पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ये सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, मतलब रेडियस 5 का सर्कल है आपके पास, जिसका सेंटर क्या है हमारे पास, ओरिजन है। जो ओ क्यू डिस्टेंस है ओ आर, और जो ओ क्यू है वो रेडियाई ऑफ द सर्कल है, वो हमारे पास 5 के गिवन है। जो जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेना चाहिए। इसके बाद क्यू एंड आर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमने एंगल क्यू पी आर निकालना है। क्यू पी आर, तो इसमें ये तो ये भी आपका बेसिक कंसेप्ट है कि जो एंगल क्यू पी आर हमारे पास है थीटा है यदि, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, उससे डबल बनेगा। तो अब हमने जो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कौन सी आपके पास पी सॉरी आर ओ क्यू जो ट्रायंगल है, इस पर आपने कोसाइन फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये आएगा कोस टू थीटा इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वेयर, ये दोनों साइड ओ क्यू स्क्वेयर प्लस ओ आर स्क्वेयर माइनस जो थर्ड साइड होती है उसका डिफरेंस माइनस कर देते हैं। कोसाइन फार्मूला सिंपली अप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में आएगा टू ट्वाइस इंटू ओ क्यू इंटू ओ आर। तो जैसे कि पहले भी डिस्कस हो चुका है हमारा ओ आर एंड ओ क्यू तो हमारे पास रेडिया ही है, और जो बाकी बचा क्यू आर उसका डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी मैंने इसमें एमसीक्यूज में चॉइसेस नहीं लिखी, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 25 प्लस 25 माइनस ये क्यू आर का स्क्वायर कितना आ गया, 25 इंटू टू 50 आ गया नीचे जो भी आया आपके पास, क्योंकि ऊपर जीरो बन रहा है। तो टू थीटा कितना आ गया, कोस टू थीटा इज जीरो है, तो टू कोस थीटा जीरो किस पे होता है, 90 पर होता है। कोस पाई बाई टू आ गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई फोर। तो इस तरह से आपके पास थीटा पाई बाई फोर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, लेट पी क्यू एंड आर एस बी टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायामीटर पी आर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर। इफ द इफ पी एक्स एंड आर क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एक्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, देन आपने बताना टू आर किसके इक्वल होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, सर्कल एक बनाना है जिसका जो है आपके पास रेडियस कितना है, आर दिया हुआ है। ठीक है, ये सर्कल हमने बना लिया, इसके दो टेंजेंट्स लिए आपने, एक तो ये वाला पी आर आर एस और एक पी क्यू टेंजेंट लिया। तो ये जो एंगल आपका 90 का बन रहा है, ये वाला पूरा एंगल पी आर एस 90 का बन रहा है। तो इसको यदि हम थीटा सपोज कर लें, तो ये जो एंगल बनेगा आपका ये 90 ये सॉरी ये थीटा है और ये आपका 90 का है। तो इतना एंगल कितना बना हमारे पास, पाई बाई टू माइनस थीटा, तो इट मीन्स ये वाला एंगल थीटा होगा। सबसे पहले आपको एंगल्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद ही आपका ये सम होगा, क्योंकि जो पी आर हमें गिवन है इसी को आपने यूज़ करना है, और तो इसमें कुछ गिवन नहीं है हमारे पास। तो अब जो ट्रायंगल पी आर एस ली हमने, पी आर एस ट्रायंगल जो हमने कंसीडर करी, इसमें टेन थीटा क्या है, क्योंकि बेस अब ये बना आपका बेस क्यू आई, बेस क्या बना आर एस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है पी आर, ये पी आर परपेंडिकुलर है टू आर, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। अब इसी तरह से हमने ये ट्रायंगल लेनी है जो पिंक और रेड शेड में है, ट्रायंगल पी क्यू पी आर लेनी है। तो इसमें टेन थीटा क्या होगा, अब इसमें पी क्यू जो से आपका सॉरी पी आर आपका बेस है, अब ये इसमें बेस बन गया, पी आर बेस है, ये क्या बन गया परपेंडिकुलर। तो वही फार्मूला लगाया हमने टू आर अपॉन पी क्यू, तो कॉट थीटा कितना आ गया, पी क्यू अपॉन टू आर, उल्टा कर दिया। अब हमें पता है कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है, वन होता है, तो इनकी सिंपली वैल्यूज पुट कर दो, कॉट थीटा कितना हमारे पास पी क्यू अपॉन टू आर इंटू टेन थीटा इज आर एस अपॉन टू आर इज इक्वल टू वन, तो टू आर का स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू आर एस। ये देखो आपके पास आंसर आ रहा है इसमें, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने 2R की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 2R कितना आएगा आपके पास, अंडर रूट पी क्यू इंटू आर एस, तो अंडर रूट पी क्यू इंटू आर एस एच वाइज आपका आंसर इसमें आएगा आपका ए पार्ट आंसर पी क्यू इंटू आर एस। तो इस तरह से आपने सॉल्व कर लेना है। तो इसमें आपको एंगल्स की जो क्लैरिटी होगी तो आप इसको क्विकली सॉल्व कर पाओगे, तो बड़ा इजी है, क्योंकि टेंजेंट पे जो एंगल बनता है ये 90 का होता है,
इतना एंगल तो 90 माइनस थीटा होगा, इसको यदि हम थीटा सपोज कर लें, बाकी पिक्चर क्लियर ही है आपको, तो ये थीटा बन जाएगा इतना एंगल। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो सम है वो एक सर्कल गिवन आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। उसकी एक कॉर्ड ए बी 90 डिग्री का एंगल सब टेंड कर रही है, तो जो पी एनी पॉइंट है सर्कल के ऊपर, तो आपने जो ये पी ए बी ट्रायंगल जो बनी है हमारे पास, ये देखो पी ए बी, ये जो पी ए बी ट्रायंगल बनी है, इसका आपने क्या निकालना है, सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। तो इसका सेंट्रोइड का लोकस हम तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब हमारे पास तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। तो इसमें बड़ा इजी है, सर्कल से आपने ये दोनों ए और बी पॉइंट्स निकाले, ए के कोऑर्डिनेट्स आर जीरो होंगे और बी के जीरो आर। एनी पॉइंट पी जो सर्कल पे होता है वो क्लियर ही आपको आर कॉस थीटा आर साइन थीटा होता है। नाउ यू नो द थ्री कोऑर्डिनेट्स, यू अप्लाई द फार्मूला ऑफ सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड का फार्मूला क्या होता है, तीनों एक्स के कोऑर्डिनेट्स ऐड करके थ्री से डिवाइड करते हैं, तीनों वाई के कोऑर्डिनेट्स ऐड करके टी से डिवाइड करते हैं। तो इसको क्योंकि लोकस निकालना होता है जब भी, तो इसको एक्स और वाई मान के यहाँ से कॉस थीटा और साइन थीटा की आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इसमें आगे करने की, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिकॉज यदि सर्कल बनेगा तो क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स और वाई का जो कोफिशियंट है वो सेम आ रहा है, तो इससे आपको क्लियर है कि जो सर्कल लोकस बनेगा सेंट्रोइड का वो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो इसका आंसर आएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट, इफ़ द टेंजेंट एट पी ऑन दिस सर्कल, पी जो सा है सर्कल पे लाई कर रहा है देखो, मीट्स दिस स्ट्रेट लाइन एट द पॉइंट क्यू, क्यू जो सा है वो वाई एक्सिस पर है, तो लेंथ ऑफ द पी, लेंथ ऑफ पी क्यू निकालनी है आपने। ये देखो आपने सबसे पहले एक सर्कल बनाना, जैसे ये सर्कल बनाया, इसका जो टेंजेंट है क्यू पर मीट कर रहा है, और जो क्यू है आपके पास वो क्या है, वाई एक्सिस इस पर, इसको जो ये लाइन है वाई एक्सिस को मीट करेगी, तो यहाँ पर हमने एक्स को जीरो करना है और ये पॉइंट निकाल लेना है, तो ये क्यू पॉइंट आ गया। तो जो ये टेंजेंट आप देख रहे हो इसमें, ये जो टेंजेंट बन रहा है हमारे पास, दिस पासिस थ्रू द पॉइंट क्यू, तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं आपने, क्योंकि जो क्यू पी की लेंथ निकालनी है, और वो क्या आपके पास, दैट इज़ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट है। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस वन वन। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 0 3, मतलब एक्स को 0 पुट करना है और वाई को 3 पुट करके देखो आपके पास ये आंसर आएगा, एक्स को 0 वाई को 3, ये हो जाएगा 9 प्लस 0 प्लस 18 माइनस 2, तो ये कितना आ गया आपके पास 25, तो ये आ गया 5, तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट। तो इस तरह से देखो आपने डायग्राम यदि बनाई तो ये क्विकली आपका विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आपने शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करके MCQs को सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो आपके प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।